मकाम सैयद जहरा रजियल्ल्ह्ल्ह् तहा उसके लिहाज से हम हर वक़्त इस मजहब पर हैं बेखता बेगुना सैयदा जहरा रजियल्लाहा यहां तक के जवाब देते वक़्त जो तीसरा मरहला है जो लफज इमकान खता और उस पर फिर आगे उसकी तशरी के बोले गए आज इस गुफ्तगु में मैं उन लफजों की जगह और लफज दे रहा हूं यानी लफ्ज इम्कान खता या फिर उसकी आगे तशरी इसकी भी यह भी ना बोले जाए और जवाब भी दिया जाए कि जिस वक्त रवाफिज ये कहेंगे कि सैयदा तय्यबा ताहरा रदीक अल्लाह तसूमा है नाजायज काम का इंतकाब नहीं कर सकती थी खता का इमकान ही नहीं था खता इश्त भी नहीं कर सकती थी तो हम जवाब में लफज खता वो मखसूस इजतहादी खता वो जो कि ऐब नहीं वो जो कि गुना नहीं वो जो कि एक अजर सवाब है लेकिन चूंकि कुछ आवाम को इसमें गुमराह किया जा रहा है आवाम तो क्या खवास को भी तो मैं कहता हूं जवाब देते वक्त जहां सैदना पीर मेर अली शाह ने इमकाने खता लिखा और फिर उसकी आगे तशरी की गई मैं आज की गुफ्तगु में ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम अब जवाब में आवाम के एहतिक के तहफ के लिए ना इमकान खता बोलेंगे ना उसकी तशरी बोलेंगे बल्कि जब वो कहेंगे रवाफज के मखदूम कायनात सयद कायनात रजील त हा मासूमा है और अबू बकर सिद्दीक जो है उन्होंने फदक ना दे के मजला जुलम किया तो हम जवाब में लफ्ज खतः लाए बगैर कहेंगे कि सैयदा मासूमा नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जालिम नहीं है यानी इमकान खता या उसकी तशरी की जगह यह जुमला कि सयदा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तला अनहा फातमत जहरा रदी अल्लाह तलाहा करोड़ों की मालिक हैं मगर मासूमा नहीं है कि उनके मुतालबा पर जब ना दिया गया फदक तो सिद्दीक के अकबर जालिम बन जाए नहीं सयदा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तला अनहा मासूमा नहीं है हल तब बकर सिद्दीक रदी अल्लाह हो आपके पैकर में जुल्म के करोड़वे हिस्से का करोड़वा हिस्सा भी नहीं है और फदक के मामला में आपका फैसला वो कुरानी फैसला है ईमानी फैसला है जिस पर सारी आल ने पेहरा दिया है और सारे असाब ने पहरा दिया है तो ये है कि वो जो लफज मशरूत तरीके से महमूद माने में मखसूस वक्त के लिए जवाब देते वक्त बोला गया लिखा पीर सैदना मेहर अली शाह ने हमने उस लफज की जगह अब और लफज लिख के आवाम को कोई मुगलता ना दे ये नारा लगा दिया बेखता बेगुना सयदा जहरा रज्ला हा अल्लाह तला सबको समझने की तोफी कथा फरमाए